सुप्रभात बच्चों, आज हम रसखान के सवैये का चौथा भाग देखते हैं। क्या है? काननी दै अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मन बजे है। मोहनी कानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोदन गे है तो गे है। तेरी कहो सिगरे ब्रजभोगनी, कालही को कितने समझे है। मायरी वा मुख की मुस्कानी, संहारी नजे है नजे है नजे है। तो कवि रसखान ने अपने इन पंक्तियों में गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति अपार प्रेम को दर्शाया है। वो चाहकर भी कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकते, इसलिए वे कह रही हैं कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वो उनसे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी। वे अपने कानों पर हाथ रख लेंगी, फिर चाहे कृष्ण किसी महल के ऊपर चढ़कर अपनी मुरली से मधुर ध्वनि क्यों ना बजाए और गीत ही क्यों ना गाए, मैं जब तक उन्हें नहीं सुनूंगी तब तक मुझ पर उनका कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन गलती से भी उसकी मधुर ध्वनि मेरे कानों में चली गई तो फिर गांव वालों मैं अपने वश में नहीं रह सकती। मुझे फिर चाहे कोई कितना भी समझाए, मैं समझने वाली नहीं हूँ। गोपियों के अनुसार कृष्ण के मुख से मुस्कान इतनी ही प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उसके वश में आए बिना नहीं रह सकता है। और इसी कारणवश गोपियां कह रही हैं कि उनसे श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर संभाला नहीं जाएगा, वो सारी रात सब छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खिंची चली आएगी। तो ये था चारों सवैये का अर्थ, मैंने आपको बारी बारी से बता दिया है और इसके अर्थ को मैंने लिख दिया है, आप इसे याद करेंगे और लिखेंगे। धन्यवाद।